हेलो दोस्तों, ए टू जेड रिपेयर 10 में आपका स्वागत है। दोस्तों ये एक माइक्रोमैक्स का टीवी रिपेयर होने के लिए आया है, तो मैं आपको दिखा देता हूँ उसमें किस चीज़ का फॉल्ट है। तो यहाँ से मैं इसको ऑन करता हूँ, देखो अभी इसमें रेड लाइट चल रही है और मैं इसको यहाँ से ऑन करता हूँ। देखो अभी इसमें क्या होगा कि एक बार लाइट आएगी इसमें और ये ऑटोमेटिक एकदम से बंद हो जाएगी। देखो अभी इसमें लाइट आई थी, माइक्रोमैक्स लिखा हुआ आया था, तो एकदम से इसकी जो लाइट थी वो चली गई। इनके जो इसमें बैक लाइट है, बैक लाइट का फॉल्ट है। तो इसमें चेक करते हैं, मैंने इसके पेज तो सारे खोल लिए, तो मैं इसको कवर को आराम से हटा देता हूँ और मैं आपको बताता हूँ उसमें किस चीज़ का फॉल्ट है, क्यों ऐसा इसमें टीवी में पिक्चर नहीं आ रही, डिस्प्ले क्यों नहीं आ रही। तो दोस्तों इसमें देखो मैं आपको दिखा देता हूँ, इसमें एक तो ये कैपेसिटर फुला हुआ है, मैं आपको जूम करके दिखा देता हूँ थोड़ा। देखो आपको दिख रहा होगा कैपेसिटर यहाँ से फुला हुआ है, यानी कि ऊपर को उठा हुआ है, और दूसरा जो इसका मेन कैपेसिटर लगा हुआ है यहाँ पे, देखो ये फटा हुआ है इस जगह से। तो पहले हम इसका ये वाला कैपेसिटर चेंज करेंगे, ये वाला, दूसरे वाला बाद में करेंगे। तो ये वाला कैपेसिटर इसका हम चेंज कर देते हैं पहले, और जो इधर लगा हुआ है ये वाला देखो मैं आपको दिखा देता हूँ, एक इसमें मोड़ लगा हुआ है कैपेसिटर ये वाला, तो इसको बाद में चेंज करेंगे, पहले बड़े वाला कैपेसिटर चेंज कर देते हैं जो इसका मेन फिल्टर है। तो दोस्तों आपको उसका प्लग तो निकाल लेना है जो इसमें मेन प्लग लगा हुआ है, और अब इसको जो इसका मदरबोर्ड है, मदरबोर्ड को बाहर निकाल लेते हैं। तो उसके पेज खोल लेता हूँ मैं। अगर ऐसा कोई फॉल्ट हो तो सबसे पहले आपको इसमें कैपेसिटर चेक कर लेना है, क्योंकि बैक लाइट का कई बार फॉल्ट होता है इस तरीके का। बैक लाइट में जब फॉल्ट होता है, जब ख़राब हो जाती है, तब भी ऐसा फॉल्ट आता है। बाकी इसमें अभी ये बैक लाइट का फॉल्ट नहीं है, ये फॉल्ट इसमें है कैपेसिटर का, जो इसमें कैपेसिटर लगे हुए हैं ये फूले हुए हैं। तो अगर ऐसा कोई फॉल्ट हो तो आप उसका कैपेसिटर चेंज कर देना। दोस्तों आप वीडियो में लास्ट तक बने रहे, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, इस चैनल से आपको नॉलेज मिलती रहेगी। इसमें 450 वोल्ट 68 यूएफ का कैपेसिटर लगा हुआ है दोस्तों, शायद आपको दिख जाए। देखो मैं थोड़ा आपको जूम करके दिखा देता हूँ, देखो ये यहाँ पे आपको दिख रहा होगा 450 वोल्ट 68 यूएफ का कैपेसिटर है। तो हम इसमें लगाते हैं, देखते हैं हमारे पास में ये पड़ा हुआ है कि नहीं कैपेसिटर। दोस्तों ये हमारे पास में एक कैपेसिटर है, तो मैं आपको दिखा देता हूँ। देखो ये ऊपर से फुला हुआ नहीं है, बिल्कुल सही है, तो पुराना है, निकला हुआ है। तो ये 68 यूएफ 460 वोल्ट है, तो देखो मैं आपको दिखा देता हूँ, वो 450 वोल्ट है, 460 वोल्ट है, तो कोई दिक्कत नहीं है, चल जाएगा इसमें। तो इसी को हम इसमें लगाएंगे, चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो पहले इसी वाले कैपेसिटर को चेंज करके देखते हैं कि जो इसमें बैक लाइट का जो फॉल्ट है, जो बैक लाइट जल नहीं रही हमारी, वो जलती है कि नहीं। तो मैं इसको कैपेसिटर को निकाल लेता हूँ दोस्तों बाहर। तो देखो मैंने कैपेसिटर तो बाहर निकाल दिया, और अब हमारे पास में ये वाला कैपेसिटर है, तो इसको लगाएंगे हम इसमें। तो आपको ये देख लेना है इसमें प्लस कौन सा है, माइनस कौन सा है दोस्तों इसमें, क्योंकि ये कैपेसिटर जो होता है प्लस माइनस का होता है इसमें। देखो इधर की साइड में इसमें निशान बना हुआ है, आपको शायद दिख रहा होगा, देखो निशान, ये हल्का हल्का निशान बना हुआ है। तो हमारा इधर माइनस आएगा, ये वाली जो हमारी कैपेसिटर पर भी निशान बना हुआ था, तो माइनस हमारा इस साइड आएगा। तो मैं इसको थोड़ा ऐसे कर लेता हूँ कैपेसिटर की जो पिन है, और मैं इसको साफ़ कर लेता हूँ ऊपर से, ये वाले साफ़ कर लेंगे इनके पिनों को। तो साफ़ करके फिर इसमें कैपेसिटर लगाएंगे। दोस्तों हमारे पास में डिसोल्डर वायर है, तो डिसोल्डर वायर की मदद से हम इसमें इसको साफ़ करेंगे जो इसके होल हैं। मैं आपको दिखा देता हूँ, देखो किस तरीके से आपको साफ़ करने हैं। देखो देखो एक तो होल साफ़ हो चुका दोस्तों, अब दूसरा भी साफ़ हो चुका है, मैं आपको दिखा देता हूँ। देखो दोनों होल साफ़ हो चुके हैं, और अब हम इसमें लगाएंगे कैपेसिटर। तो कैपेसिटर निकला हुआ है, इस पर भी सोल्डर लग रहा है थोड़ा सा, इसको भी साफ़ कर लेते हैं, नहीं तो इसमें होल में जाएगा नहीं। तो मैंने आपको बता दिया किस तरीके से आपको उसको कैपेसिटर को लगाना है, प्लस माइनस देख आपको तभी उतारना है कैपेसिटर को, और उसी तरीके से आपको लगाना है। अगर उल्टा लगा दोगे तो आपका कैपेसिटर फट जाएगा, तो ये आपको याद रखना है दोस्तों। देखो मैंने इसमें कैपेसिटर लगा दिया, और इस पर करते हैं सोल्डरिंग। तो दोस्तों सोल्डर तो मैंने इसमें कर दी, और जो एक्स्ट्रा पिन है ऊपर से इनको काट लेंगे वायर कटर की मदद से।
तो अभी एक बार चला के देख लेते हैं टीवी को, टीवी चलता है कि नहीं। दूसरा कैपिस्टर इसका बाद में चेंज करेंगे। दोस्तों मैं इसका प्लग लगा लेता हूँ, प्लग लगा के चला के देखते हैं चलता है कि नहीं। तो देखो दोस्तों इसमें रेड लाइट आ चुकी है और मैं इसको ऑन करता हूँ, ऑन करके देखता हूँ कि टीवी ऑन होता है कि नहीं होता। तो मैं इसको ऑन कर देता हूँ यहाँ से और अभी देखना आप दोस्तों बैक लाइट आएगी कि नहीं आएगी। देखो दोस्तों अभी भी वही फॉल्ट है सेम, अभी भी इसमें लाइट आई थी यानी कि डिस्प्ले आई थी, डिस्प्ले आके फिर दोबारा चली गई। तो ये जो हमारा फॉल्ट होता है दोस्तों इस तरीके का, ये तो मेन फिल्टर था, ये तो चेंज कराते हो क्योंकि हाई वोल्टेज पे फट जाता है ये हाई वोल्टेज की वजह से, क्योंकि पावर सप्लाई इसकी सही है, पावर सप्लाई में कोई दिक्कत नहीं है। जो इसका बैकलाइट ड्राइवर है तो उसमें फॉल्ट है। ये जो कैपेसिटर इसका दोस्तों फटा हुआ है, ये इसी के कारण से ये बैकलाइट नहीं चल रही, बैकलाइट एकदम से बंद हो जाती है। तो हम ये वाला कैपेसिटर इसमें चेंज करेंगे और हमारी बैकलाइट सही हो जाएगी बिल्कुल। तो मैं आपको दिखा देता हूँ, देखो हमें सिर्फ ये वाला कैपेसिटर चेंज करना है। तो मैं इसकी वैल्यू भी दिखा दूंगा किस वैल्यू का कैपेसिटर है। दोस्तों आपको आराम से कैपेसिटर को निकाल लेना है बाहर। दोस्तों देखो मैंने कैपेसिटर बाहर निकाल दिया, तो इसकी वैल्यू है दोस्तों ये 35 वोल्ट 330 यूएफ का कैपेसिटर है। देखो मैं आपको दिखा देता हूँ, ये 35 वोल्ट 330 यूएफ का कैपेसिटर है। तो ये वाला हम चेंज करेंगे इसमें, ये हमारे पास में 35 वोल्ट 470 यूएफ का कैपेसिटर है। तो दोस्तों ये भी चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ये 35 वोल्ट ये 330 यूएफ था, ये 35 वोल्ट 470 यूएफ है। तो ये वाला हम इसमें लगा देंगे, ये बिल्कुल सही काम करेगा, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। वोल्ट सेम है, बाकी ईएफ में थोड़ा फ़र्क है। तो डिसोल्डर वायर की मदद से मैं पहले इसको साफ़ कर लेता हूँ ऊपर से, ऊपर से साफ़ करके फिर इसमें कैपेसिटर हम लगाएंगे। मैं सोल्डर ये साफ़ कर लेता हूँ ऊपर से, जो सोल्डर था इस पर लगाओ दोस्तों। दोस्तों एक होल तो साफ हो चुका है इसका डिसोल्डर वायर की मदद से, एक होल नहीं हो पा रहा, इसको हम डिसोल्डर पंप की मदद से साफ़ करेंगे। मैं आपको दिखा देता हूँ किस तरीके से साफ़ करना है। ये हमारे पास में डिसोल्डर पंप है, तो इसकी मदद से इसको साफ करेंगे। देखो दोस्तों ये एक ही बार में साफ हो गया, एक होल तो साफ हो गया था, एक रह गया था। और ये हमारे पास में कैपेसिटर है, तो कैपेसिटर हम इसमें लगा देंगे। तो इसमें भी देखो ये निशान बना हुआ है, एक ये इधर वाला माइनस है, इधर वाला प्लस है। तो जो निशान है इधर इसमें कैपेसिटर में बना हुआ, तो निशान की तरफ निशान लगा देंगे और इस पर कर देंगे दोस्तों सोल्डर। तो ये हमने इसकी जो एक्स्ट्रा पिन थी वो काट दी और अब इसको लगा लेते हैं मदरबोर्ड को। मदरबोर्ड को लगा के फिर मैं आपको चेक कराता हूँ। देखो दोस्तों टीवी सही हो गया होगा। दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, मेरे चैनल पर आपको हर तरीके की वीडियो मिलेगी जिससे आपकी नॉलेज बढ़ती रहेगी, आपको भी कुछ सीखने को मिलता रहेगा। तो जितने भी जैक थे मैंने, जितने भी कनेक्टर थे सारे लगा दिए, सिर्फ ही एक बचा हुआ है दोस्तों, ये स्पीकर का है, इसके लगाने की भी ज़रूरत नहीं है हमें। तो मैं आपको दिखा भी देता हूँ, देखो देखो टीम में दोस्तों लाइट आ चुकी है और मैं अभी इसको ऑन करता हूँ, यहाँ से मैं उसको ऑन कर देता हूँ। देखो टीवी में लाइट आ चुकी है और मैं आपको भी दिखा देता हूँ। देखो तो देखो दोस्तों टीवी ऑन हो चुका है, देखो इसमें यहाँ पे पिक्चर आ चुकी है। बाकी इसमें टीवी में फॉल्ट है दोस्तों, देखो
इसमें अंदर कुछ डिस्प्ले में फॉल्ट है। आपको जो ट्यूब में लाइनिंग से दिख रही है और ये नीला जो पट्टा आपको दिख रहा है गल के नीली लाइन, ये डिस्प्ले के अंदर फॉल्ट है दोस्तों। मैं आपको टीवी में पिक्चर लगा के दिखा देता हूँ, देखते हैं टीवी में किसमें लाइन कितनी आ रही है, कितनी लाइन अभी सही से दिख नहीं पा रही, तो मैं आपको दिखाता हूँ अभी टीवी चला के सिग्नल इसमें वीडियो लगा के। दोस्तों देखो टीवी चालू हो चुका है और इसमें जो लाइनिंग आ रही है दोस्तों इस तरीके की, ये वाली जो नीली नीली लाइनिंग है अंदर डिस्प्ले में है दोस्तों, तो ये तो डिस्प्ले का फॉल्ट है। और मैं आपको दिखा भी देता हूँ, देखो इसमें अंदर चीटियाँ फिर रही है, ये देखो इसमें चीटियों ने अपना छत्ता भी अंदर बना रखा है, ये चीटियों का छत्ता आपको दिख रहा होगा देखो उसमें अंदर, ये यहाँ पे ये जगह पे देखो। तो ये डिस्प्ले में साफ़ करनी पड़ेगी, नहीं तो डिस्प्ले ये चीटी ख़राब कर देगी, हो सकता है ये चीटी की वजह से ये जो नीली पट्टी आ रही है इसमें हल्की हल्की ये इन्हीं की वजह से ख़राब हुआ हो, तो मैं डिस्प्ले खोल के उसको साफ़ कर दूँगा। बाकी जो टीवी था दोस्तों चालू हो चुका है। दोस्तों आपको जानकारी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना, वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को शेयर जरूर करना। थैंक यू दोस्तों वीडियो देखने के लिए।